जब भी 8 घंटे लगाने के बाद जो ये टेस्ट निकल कर आया है ना, ये बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। ये रही, ताकि रहमत चौक का जो फ्रूट चाट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरसलान जब्बार और इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगी टाउन के इलाके रहमत चौक पे, जहाँ पे एक फूड चाट का एक स्टॉल लगा हुआ है और इसके बारे में हमने काफ़ी सुना था। तो आज हम यहाँ पर आए हैं और इनका फूड चाट हम ट्राई करेंगे, देखेंगे भाई इनका कैसा जायका है। तो चलें चलते हैं और इनसे बात भी करते हैं और इनसे पूछते हैं कि भाई इनकी तैयारी में कितना वक्त लगता है और किस तरह ये तैयार करते हैं। और यहाँ पर रश भी लग चुका है, लोगों का रश भी, और लोगों से इंटरव्यू भी करेंगे, उनसे पूछेंगे भी। भाई से ही पूछते हैं। जी भाई बताएं, कैसा टेस्ट है इसका? सही, अच्छा बना है। मतलब क्या चीज़ में ऐसी जो आपको मतलब पसंद आई इसके अंदर? बस इसमें जायका अच्छा है इसका, डिफरेंट जायका। यार वैसे ही मीठा मैं कम खाता हूँ, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है तो खा रहा हूँ मैं। मतलब इसका मतलब है कि आप मीठा कम खाते हैं और ये खाने के बावजूद भी आपको इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही पसंद आया? पसंद आया है, हाँ, जब भी खा रहा हूँ मैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। हम आए थे वो ऑर्डर करने के लिए, कितने किलो? 8 किलो हमने जो गुलाब जामुन किया, लेकिन मैंने कहा पहले ये चेक कर लेते हैं, अगर ये सही लगा तो हम ये ले लेंगे, लेकिन खैर अब 8 किलो हमने ऑर्डर दे दिया। चले भाई, इसकी वजह से इन्होंने मिठाई का भी ऑर्डर दे दिया। ये जो दोस्तों, ये हमारे पास फ्रूट चाट आ चुका है, आप देख सकते हैं बड़े खूबसूरत तरीके से लेयर लगाया गया है फ्रूट का, और मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें फ्रूट्स हैं और मिठाई भी मौजूद है और सेब है, जेली भी है इसके अंदर। तो इसको खा के ट्राई करेंगे, देखते हैं भाई इसका टेस्ट कैसा है। वैसे तो फ्रूट चाट हमने बहुत खाया, लेकिन रहमत चौक का ये फ्रूट चाट आज हम फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे और आपको भी ट्राई करवाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिफरेंट जायका है इसका, बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है, और इसके अंदर जेली, मिठाई, और ये देखें यार, वाकई बड़ा बेहतरीन टेस्ट है, बहुत खा ले वरना पूरा खाया होगा। भाई खुद बनाते हैं आप? भाई साहब तो अपने आप से खुद बनाते हैं, लेकिन वो वीडियो पे आना नहीं चाह रहे, तो हम ऐसे ही इनसे बात कर लेते हैं। बहुत क्या क्या चीज़ डालते हैं इसके अंदर? तरीबन भाई क्यों परिश की थी मैं, और कोमेल है इसके अंदर, और अलग अलग यहाँ पर तमाम तमाम ही फल हैं, यानी पाइन एपल के अलावा, और उसके अलावा मिल्क पाउडर है इसमें। तो कितना टाइम लगता है इसको बनाने? तरीबन 6-7 घंटे हो जाते हैं। 6-7 घंटे? नहीं बहुत सही, मजाक क्यों नहीं कर रहे हैं? तो क्या वजह इतने टाइम क्यों लगता है? जी क्रीम तैयार होने में टाइम मांगती है, क्रीम तैयार होने में टाइम लगती है। अच्छा, बाकी कोई फल वगैरह 2 घंटे मतलब तो दूसरा पाया हो गया, पाया जैसा पाया तैयार होता है 12 घंटे में, वैसे ही आप फ्रूट चाट तैयार करते हैं, तो सब घर पे आप बनाते हैं, तो पूरा घर में तैयार होता है। तो भाई नादिन, आप देख सकते हैं कि बड़ा मेहनत वाला काम है, जब भी 7-8 घंटे लगाने के बाद जो ये टेस्ट निकल कर आया है ना, ये बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। ये देखिए, बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाह, जाना दे दूँगा आवाज़ आता कि रहमत चौक का जो फ्रूट चाट है, ओ देख भी ले।